टीकाकरण महाअभियान के तहत गोगावा कन्याशाला भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। रविवार को पंचायत कर्मियों द्वारा घर घर जाकर निमंत्रण दिया गया था। नगर की जनता में उत्साह दिखा और बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान में हिस्सा लिया। खरगोन जिले के तहसील गोगांव में कोरोना टीकाकरण महाअभियान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। नगर में सबसे पहले साइकिल रैली निकाली गई, उसके बाद रैली कन्याशाला भवन पहुंची, जहां टीकाकरण सेंटर प्रारंभ होने से पहले सरपंच, उपसरपंच, समाज सेवी एवं संस्थाओं द्वारा माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया गया। पश्चात टीकाकरण प्रारंभ हुआ। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ दो शब्द कहे, शायद दो शब्द 1000 शब्द के बराबर हो सकते हैं आपके। टीका युक्त एवं कोरोना मुक्त भारत का संकल्प हमने लिया है, इसको हम पूर्ण करेंगे और इसमें पूर्ण रूप से सहयोग सभी का रहा है। किसी भी जन 21 जून को जो योग दिवस है, इसके ऊपर पूरे विश्व में जो एक की जो हमारे देश ने दिया है, उसके ऊपर आज गोगांव में भी वैक्सीन का जो टीकाकरण केंद्र है, इसको दुल्हन की तरह सजाया गया और प्रत्येक घर पर निमंत्रण देकर सभी युवाओं से आह्वान किया गया कि वो अधिक से अधिक टीकाकरण करें। उसी अभियान के तहत आज युवाओं में भारी उत्साह है और वो घर से निकलकर आज टीकाकरण केंद्र पर आए हैं। रितेश चौहान, गोगांव, सामाजिक कार्यकर्ता। आज 21 दिवस विश्व योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से गोगांव में टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है, जिसके लिए गोगांव में घर घर कंकु चावल चढ़ाकर टीकाकरण के लिए निमंत्रण दिया गया और इस टीकाकरण केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया। युवाओं में भारी उत्साह है, युवा बड़ी संख्या में आ रहे हैं और बड़ी संख्या में टीकाकरण का अभियान गोगांव में प्रारंभ हुआ है आज से। क्या नाम है और किस पते? नरेंद्र सिंह चौहान, संभागीय अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।